चमचागिरी करने वाले सुनने का भी मादा रखिए, चापलूस बनकर यहाँ पत्रकारिता मत करिए, ये चाटुकारिता है, ये पत्रकारिता नहीं। पवन जी, देश के धोखेबाज हैं आप लोग, देश के गद्दार हैं आप लोग। एक बार फिर टीवी 18 का जो आर पार का जो प्रोग्राम है अमीश देवगन का, उसमें एक बार फिर पवन खेड़ा अमीश देवगन को लताड़ते हुए नजर आए। चमचागिरी करने वाले सुनने का भी मादा रखिए, चापलूस बनकर यहाँ पत्रकारिता मत करिए, ये चाटुकारिता है, ये पत्रकारिता नहीं। पवन जी, देश के धोखेबाज हैं आप लोग, देश के गद्दार हैं आप लोग। उनको चाटुकार दलाल तक कहा गया, लेकिन एक बात जो बार बार पवन खेड़ा के जरिए कही गई वो काफी अहम है कि 6 साल होने के बाद जितने भी टीवी पत्रकार हैं, जितने भी बड़े चैनल के पत्रकार हैं, वो सवाल हमेशा विपक्ष से क्यों करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं है। मैं सबसे प्रश्न पूछ लेता हूं पवन जी, नहीं है, सारे सवाल विपक्ष से। अच्छा, मुझ पर अपना सारे सवाल विपक्ष से पूछेंगे तो सुनने का मौका। आप मुझ पर अपनी पूरी, मोदी सरकार को अब 6 साल हो गए हैं और बार बार ये जिक्र किया जाता है कि 70 साल कांग्रेस ने किया, अपने 6 साल के जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो दौर था 6 साल का, उसको भी भूल जाते हैं। लेकिन जब भी कोई मामला उठाइए, सवाल ये किया जाता है विपक्ष से, सवाल नहीं किया जाता सत्ता पक्ष से। चिल्ला रहा है, रो रहा है किसान, एक शब्द नहीं निकलेगा। ये किसान पर ही बहस है, ये किसान पर ही बहस है जिसको आपने एक तरफा कर दिया है। चलिए, ये आपकी मर्जी है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको बार बार उठाने की कोशिश कांग्रेस के जरिए की जाती है, लेकिन जिस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल विपक्ष के जरिए किया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं के जरिए किया जा रहा है, खासतौर से अमीश देवगन को लेकर बार बार जिस तरह से देखने में आ रहा है कि अक्सर डिबेट में ये देखने आता है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो पूरी तरह से लताड़ते हुए नजर आते हैं अमीश देवगन को, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के एंकरों का रवैया बदलने का नाम नहीं ले रहा है। आज को रखने का कोई गाली भी देता है, कोई गाली भी देता है, बुरा भला भी कहता है। आप सिर्फ बीच बीच में बोलते रहेंगे और मोदी जी की जयकारा लगाते। आप अपनी बात को रखिए, मैं आपका एक मिनट दोबारा शुरू कर देता हूँ, अपनी बात को रखिए।